ये डाइकास्ट कार को आज हम लगा बनाने वाले हैं रिमोट कंट्रोल में भाई साहब। मेरा नाम है अली। आज की वीडियो के अंदर मैं लेके आ चुका हूँ महिंद्रा एक्सयूवी 500 मिनिएचर मॉडल के अंदर डाइकास्ट कार के अंदर। देखो यार ये वाली कार को मैं आज रिमोट कंट्रोल भी बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो भाई प्लीज। तो ये रही भाई अपनी डाइकास्ट कार मॉडल जो कि आपको महिंद्रा एक्सयूवी 500 के तौर पे आ जाएंगी। भाई ये तो देखो 1:20 स्केल का मॉडल बिल्कुल भी नहीं है, 1:18 स्केल का मॉडल है। ये विद बॉक्स के साथ नहीं आई, मेरे को विदाउट बॉक्स के साथ आई भाई। यहाँ से मैं इसको फटाफट अनबॉक्स कर ले रहा हूँ। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक भी कर दो यार जरूर से। और यहाँ से मैं इसको निकाल रहा हूँ भाई डब्बे में से। निकालने के बाद डब्बे को साइड में रख देंगे, अपनी कार के ऊपर देंगे मेन फोकस। देखो यार इस कार काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। सबसे पहले मैं कार को हाथ में रख लेता हूँ भाई, को साइड में रख लेता हूँ भाई। कार की बात करें तो भाई कार के लुक्स एकदम आपको रियल कार के जैसे मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है डिटेलिंग्स में कि ये कार काफी ज्यादा महंगी है भाई, 3000 की कार है भाई विद बॉक्स के साथ, नहीं विदाउट बॉक्स के साथ। अगर विद बॉक्स के साथ आप लेते हो तो आपको 4000 रुपीज पे करना पड़ेगा भाई। ये कार आपको इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलेगी, ये कार का स्टॉक अभी खत्म हो चुका है। यहाँ से देखो भाई साइड प्रोफाइल से तो ये कार काफी ज्यादा भयंकर दिख रही है भाई, WB लिखा हुआ है। और इस कार का यहाँ से देखो भाई असली चमत्कार तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन को जो अपन पे करे पैसे उसका देखो महिंद्रा का लोगो आपको दिख रहा होगा। ये छोटा सा महिंद्रा लोगो इतना ज्यादा महंगा पड़ा है दोस्तों मेरे को आज की वीडियो के अंदर। ये महिंद्रा का लोगो है, अंदर के बात करें तो भाई ग्रिल लगी हुई है जो कि डिट टू डिट एक ओरिजिनल कार के अंदर ग्रिल रहती। देखो यार वो ऐसी ग्रिल इसके अंदर दे दिए लगा। हेडलाइट्स की बात करें तो भाई हेडलाइट्स उसके अंदर लाइट आइस नहीं है भाई, मैं यूज करके देखा लाइट बिल्कुल भी नहीं है भाई, बेजान लाइट आइस के अंदर। और ग्रिल ब्लैक कलर की मिलेगी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एक्सयूवी 500 बोलकर। देख सकते हो भाई बम्पर भी काफी ज्यादा चौड़ा दिया हुआ है भाई, बम्पर की क्वालिटी एक नंबर दिखी भाई। यहाँ से देखो एक लाइन दिख रही होगी जो कि आपको सिल्वर कलर और ब्लैक कलर की लाइन भी मार दी है भाई लगा। और यहाँ से मारे तो भाई व्हील्स भी एकदम काफी ज्यादा चौड़े और काफी ज्यादा बेस्ट है भाई। इसके अंदर दो टेल लाइट लगा दे चुके हैं जो कि नहीं वर्क करते हैं भाई, जो टेल लाइट्स ये वर्क नहीं करते। टेल लाइट की बात करें तो इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सयूवी, यहाँ पे लिखा हुआ है महिंद्रा 500 बोल के। बम्पर की बात करें तो भाई टेल लाइट बम्पर भी काफी ज्यादा मैसिव और ब्लैक कलर के एडिशन में आता है भाई। और यहाँ पर भी लोगो लिखा हुआ है महिंद्रा का लोगो, आप देख सकते हो झूठ नहीं है भाई, एकदम प्योर महिंद्रा का लोगो लगा हुआ है भाई। डोर्स की बात करें तो भाई इसके डोर्स भी आराम से खुल जाते। इंटीरियर की बात करें तो भाई अंदर आपको दो सीट्स मिल जाते जो कि काफी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी के दिखे मेरे को। आप यहाँ से इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे कुछ भी आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलेगा भाई। और यहाँ से भी आपका डोर, दो भी डोर्स आप खोल सकते हो इस कार के अंदर। अंदर भी आपको दो सीट्स मिल रहे होंगे, दो सीट्स के अंदर आप बैठ के चला सकते हो भाई कार को अपनी। और यहाँ पर भी आपको छोटी सी स्टेयरिंग देखने को मिल सकता है, यहाँ पर देखो स्टेयरिंग भी लगी हुई है। और यहाँ से भाई डिस्प्ले पे एक आपको स्टिकर दिख रहा होगा, इसके अंदर रेडियो कंट्रोल सिस्टम भी लगाए करते भाई लगा। भाई पीछे से देखे तो भाई पीछे से तो आपको दिख रहे होंगे दो सीट्स, फिर सामने भी आपको एक सीट मिलेगा जो कि ये तो ड्राइवर सीट्स है भाई। ड्राइवर सीट्स की छोड़ दो भाई, पीछे पैसेंजर्स जो बैठते हैं सो वो भी सीट्स आपको अंदर दिख रहे होंगे। कांच की बात करें तो भाई ये प्लास्टिक है, कांच बिल्कुल भी नहीं रहता दोस्तों। मेरे को एक चीज काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगी क्योंकि इसका पुल बैक एक्शन काम नहीं करता दोस्तों, ओनली ये खाली शोकेश मॉडल है भाई। लेकिन अपन का भाई इसको रिमोट कंट्रोल बनाने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा मजबूत है, टूटने वाली बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों ये कार। और यहाँ पर देखो स्ट्रैप भी पूरे आपको ब्लैक कलर के ओरिजिनल स्ट्रैप्स मिलेंगे आपको, जो ओरिजिनल अपनी कार रही थी। देखो एक्सयूवी 500 डिक्की की बात करें तो भाई डिक्की नहीं खुल सकती क्योंकि डिक्की अंदर अटैचर्स है भाई, डिक्की इसकी बिल्कुल भी नहीं खुल सकती, खाली डोर ही खुल सकते, ये भी डोर नहीं खुलता दोस्तों। काफी ज्यादा मजबूत कार है और डिफिकल्ट रास्तों पर भी आराम से चल जाती है। इसका नाम है एक्सयूवी 500 महिंद्रा की भाई, जो कि एडिशन कार है भाई, काफी महंगी कार है भाई। सबसे पहले अपनी सैंटी कार को देख लेंगे भाई। सैंटी कार की प्राइस खाली आपको 300 रुपए में मिलेगी और ये मैं परचेस करके लाया था सैंटी कार। और सैंटी कार के अंदर आपको एक चीज कॉमन दिखेगी, इसके अंदर कुछ भी कंपनी का लोगो लगा नहीं लगा है। लेकिन अपनी ओरिजिनल महंगी कार के अंदर आपको एक लोगो देखने को मिलेगा जो कि महिंद्रा का ओरिजिनल ब्रांडेड लोगो है भाई। देखो ये लोगो ओरिजिनल है और इसके अंदर कुछ भी लोगो नहीं लगा के रखे दोस्तों। और ये एक चीपेस्ट पुलिस कार है जो कि 1-2 सेकंड में टूट जाती है। ये कार आप सपनों में भी नहीं तोड़ सकते हो भाई। यहाँ पर भी लोगो लगा हुआ है और यहाँ पर भी लोगो लगा हुआ है। प्लास्टिक की बात करें तो भाई ये ABS प्लास्टिक से इसको बना के रखे भाई लगा। बड़ी और मैसिव कार
रहे हैं 1:18 स्केल मॉडल है दोस्तों। देखो भाई ये मिनिएचर मॉडल को अपन को बनाना है रिमोट कंट्रोल में, एक बार नीचे से कर दो भाई। अब ये रिमोट कंट्रोल बनाना बोले तो खेत में मूली उगाने के बराबर है भाई। ये रिमोट कंट्रोल बन सकती है लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। अपन ऊपर की बॉडी खोल के आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या मैकेनिज्म इस कार के अंदर लगा फिटिंग करे भाई। ऑलमोस्ट ये कार को मैं खोल दिया, यहाँ से मैं इसको खोल देता हूँ। ओ भाई साहब इसके अंदर कुछ ऐसा वाला मैकेनिज्म है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई इसके अंदर खाली एक पुशिंग बैक का मैकेनिज्म लगा हुआ है और बाकी सब कंगाल है भाई इस कार के अंदर। इस कार की बॉडी देखो भाई काफी ज्यादा मजबूत है भाई इस कार के अंदर लगाने वाले। और ये रहा भाई उसका गियर बॉक्स, तो वीडियो के एंड तक बने रहना भाई। गियर बॉक्स इस मोटर के अंदर लगाने के बाद अपनी गाड़ी बूम हो जाती है दोस्तों। देखो ऑलमोस्ट काम हो चुका है अपना 95%। यहाँ पर देखो मैं गियर मोटर भी अटैच कर चुका हूँ, ये 3D प्रिंटेड गियर मोटर है। यहाँ पर देख सकते हो गियर भी अटैच हो चुका है और आगे पीछे करने का ये वाला है लेफ्ट और राइट का। इधर मैकेनिज्म मैंने लगाया, मेरे को आता नहीं बनाना तो मैं इसके लिए खाली सिंपल सा एक लगा दिया भाई एडजस्टमेंट करके। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक लगा दिया, फिर आगे पीछे का गियर बॉक्स भी लगा दिया, फिर ये है अपनी मोटर और ये है अपनी बैटरी। एक मिनट गाइस नया बोर्ड आ चुका है, ये रहा भाई मदर बोर्ड जो कि आज ही चाहिए भाई अपने पास। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, देखो अब इसके अंदर अपन को लगाना है ग्रीस क्योंकि इसका जो गियरिंग सिस्टम है काफी जल्दी सूख चुका है। यहाँ पर अपन को ग्रीस लगाना है, तो ग्रीस ऑलरेडी आ चुका है भाई। ये कारों का ग्रीस मैं ऑलरेडी परचेज करके रख लिया था। यहाँ पर देखो आपको थोड़ा सा ग्रीस ले लेना है, बस लिटिल बिट आपको ग्रीस लेकर। फिर अपनी कार का जो पिनियन गियर है भाई, ये पिनियन गियर के अंदर आपको थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है, इस कारण ये एक लुब्रिकेशन के जैसा काम करेगा, अपनी मोटर को अच्छे तरीके से दौड़ाएगा भाई काफी हाई स्पीड। थोड़ा और भी लगा लेता हूँ यार, कहाँ की चलेगा ग्रीस। तो ये देखो भाई इसको भी आपको लगा लेना है भाई। ये है इसका शाफ्ट और ये है इसका पिनियन गियर, तो पिनियन गियर को भी आपको आराम से लगा लेना है भाई। यहाँ पर देखो भाई सूख गया यार, ये पूरी तरीके से ऑलरेडी सूख चुका है भाई। भाई देखो ये कार का ग्रीस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहता है, ये ओरिजिनल कार का नहीं है यार, टॉय कार का ग्रीस ही रहता है ये। तो बस आपको इसमें अटैच कर देना है भाई इस व्हील के अंदर, फिर इस व्हील को क्या करना है इस गियर बॉक्स के अंदर आपको अटैच कर देना है भाई। लिटरली देखो यार ग्रीस डालते ही काफ़ी ज़्यादा चिकना हो चुका है यार इसके अंदर का मटेरियल। तो भाई क्या करूँगा मैं, फटाफट ये वाली मोटर लूँगा, ये मोटर को ऊपर से लगा के सीज कर दूँगा भाई साहब। लिटरली यार ये लगाने के बाद इसकी लुब्रिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। लगाऊंगा मैं स्क्रू और लगाऊंगा इसके ऊपर और लगा के फिर क्या करूंगा, ये रहेगा मेरा स्क्रू ड्राइवर, फिर स्क्रू ड्राइवर से इसको मस्त टाइट करूंगा भाई। आपको भी टाइट कर लेना चाहिए जब भी आप कार को रिपेयर करते हो भाई, तो मस्त आपको ऐसा टाइट कर लेना है। यहाँ पर देखो भाई कसम से पूरा टाइट कर देंगे इसको। ओ भाई साहब लिटरली ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। ये वाली बैटरी से चेकिंग करेंगे ये कैसा चल रहा है भाई। ओ भाई साहब लिटरली देखो यार इसकी आवाज़ सुनो यार, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रहा है भाई, ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे तरीके से चले। अब आती है बात अपनी मदरबोर्ड के ऊपर, ये रहा इसका मेन मदरबोर्ड दोस्तों। अगर आपको मदरबोर्ड बोल के नहीं मालूम तो आपको क्लैरिटी से समझा दूंगा, ये मदरबोर्ड इस कारों को लेफ्ट राइट कराता है, आगे पीछे कराता है। अगर आपका मदरबोर्ड खराब होगा वो तो आपकी कार कभी भी जिंदा नहीं चलती गई, तो ध्यान रखना भाई मदरबोर्ड को आपको अच्छा सा इधर लगा लेना है, या ऐसा भी लगा सकते हैं आप या ऐसा भी लगा सकते हैं। देखो भाई इसके अंदर मेरे को नेगेटिव और पॉजिटिव भी मिल चुका है, यानी कि V+, V- मिल चुका है भाई। ये है मोटर लाइन, तो ये दो को मैं ऊपर रख लूंगा क्योंकि ये मोटर लाइन है भाई, ऐसा भी लगा सकते हैं। कहीं को बोले तो क्लैरिटी से अपन को मालूम होता है, लेकिन आपको ऐसा लगाना चाहिए कूलिंग के लिए भाई साहब। तो फटाफट ऐसा लगा लेता हूँ मैं। ओके गाइस राइट गाइस सारे कनेक्शंस कार के अंदर हो चुके हैं। सबसे पहले बैटरी भी अपन लगा दिए, यहाँ पर बैटरी लग चुकी है और ये है PCB बोर्ड और ये है अपनी छोटी सी पिद्दी सी मोटर भी लग चुकी है भाई इस कार के अंदर। तो चलिए भाई इसका वायर लगा के टेस्ट करते हैं क्या मोटर सक्सेस हुई या जल गई भाई। देखो इसको लगा दिया, अब लग की है भाई कोशिश। ओ भाई साहब लिटरली देखो यार ये तो ऑन हो चुकी है भाई, गजब तरीके से ऑन हो चुकी है भाई। ऑलरेडी ये पूरा 100% बन चुकी है दोस्तों, फिर पार्ट 2 के अंदर मिलेंगे दोस्तों आपसे हम। ये गाड़ी के ऊपर काम करना बोले तो काफी ज्यादा टफ हो रहा है, रात के 2 बज गए फिर भी नींद को बाय बाय करना पड़ रहा है क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी है और ये दिखने में एकदम खूंखार है, तो इसको भी बनाना बोले तो टाइम लगेगा भाई। तो पार्ट 2 के लिए वेट करो गाइस, अभी से इस वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जब तक के लिए जय भारत गाइस।